हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। यहाँ पे अपन मियोसिस पार्ट टू देखने वाले हैं। इससे पहले अपने मियोसिस पार्ट वन जनरल इंट्रोडक्शन देखा था मियोसिस के बारे में। अभी अपन उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। मियोसिस के अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, क्या क्या होता है, वो सब देखने वाले हैं अपन। चलो शुरू करते हैं। मियोसिस के अंदर सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रोफेज फर्स्ट से। इससे पहले अपन को पता है, अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि मियोसिस जो है वो दो स्टेज में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। जब भी कोई भी, चाहे माइटोसिस हो या मियोसिस हो, दोनों डिवीजन होने से पहले एक इंटरफेज आती है। इंटरफेज यहां पे भी है, लेकिन वो अंडरस्टूड है कि हमने इंटरफेज से होने के बाद अपन प्रोफेज फर्स्ट के ऊपर आए हैं, जिसमें G1, S और G2 फेज से निकल के अपन यहां पर आए हैं प्रोफेज फर्स्ट में। तो यहां पे अपन इंटरफेज के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपन आए हैं अभी कहां पर, प्रोफेज पर। तो G1, S और G2 अपन मान के चल रहे हैं कि अपन पढ़ चुके हैं। प्रोफेज फर्स्ट में शुरुआत करते हैं अपन कि प्रोफेज फर्स्ट इज द लॉन्गेस्ट मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेज ऑफ द मियोसिस फर्स्ट। जो मियोसिस फर्स्ट की ये क्या है, लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेज है। मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेज क्यों बोला, कि यहां पर क्रोमोसोम के बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उन्हीं चीज के बारे में देखना है। और मियोसिस के अंदर ये सबसे क्या है, लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेज है, सबसे लंबी स्टेज है मियोसिस फर्स्ट की। देखते हैं यहां पर, इट इज क्लासिफाइड 5 सब स्टेजेस। प्रोफेज फर्स्ट को आगे 5 सब स्टेज के अंदर क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल बिहेवियर। इंपॉर्टेंट है कि किस बेसिस पे अपन ने मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट को सब स्टेजेस के अंदर क्लासिफाई किया है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल बिहेवियर, कि हर एक स्टेज के अंदर क्रोमोसोम का बिहेवियर क्या रहेगा, क्या चेंजेस आएंगे इसके अंदर, उन सब चीज का डिस्कशन अपन को यहां पर करना है। टोटल यहां पर मियोसिस फर्स्ट के अंदर, प्रोफेज फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट है उसके अंदर कितनी स्टेजेस पढ़नी है अपन को, 5 स्टेज देखनी है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। यहां पे जो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर, इसका प्रोफेज फर्स्ट करवाने का, इनके अंदर 5 सब स्टेज में डिवाइड करने का एक ही मकसद है, यहां पे एक प्रोसेस करवानी है अपन को। वो प्रोसेस करवानी है कौन सी, क्रॉसिंग ओवर। मियोसिस फर्स्ट के अंदर प्रोफेज फर्स्ट का जो मेन मकसद क्या है अपना, क्रॉसिंग ओवर करवाना, कि 500 की 500 स्टेज से होके गुजरेगा और क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, अभी अपन आगे देखेंगे कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जीन का एक्सचेंज होना क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर। यहां पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आएंगे पेकाइट अपने लेप्टोटीन पर, फिर जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। सबसे पहले की 2 स्टेजेस जिनको अपन ने लेप्टोटीन और जाइगोटीन बोला है, इसके अंदर क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी, होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पास पास आएंगे एंड पेकाइटिन स्टेज के अंदर अपन को जो काम करना है क्या, क्रॉसिंग ओवर। तो वो कहां पर होगा, अपनी पेकाइटिन स्टेज के अंदर। इसके बाद यहां पर क्रॉसिंग ओवर हो चुका, अब क्या करना है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे जो पेयरिंग हुई थी उनको अलग अलग करना है, वो दोनों फिनोमिना होगी कहां पर, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस के अंदर। तो अपना मेन जो मकसद है प्रोफेज फर्स्ट का वो क्या है, क्रॉसिंग ओवर करवाना। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। जैसे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बारे में अगर अपन देखें, कि अगर ये एक क्रोमोसोम बनाए अपन, कि ये है क्रोमोसोम और इसके साथ इसका होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, ये है होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। यहां पर ये क्रोमोसोम है, इसके अंदर 2 क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड और ये, एक क्रोमेटिड ये, दूसरा ये दोनों क्रोमेटिड एक ही क्रोमोसोम के पार्ट है, इसलिए इन दोनों क्रोमेटिड को हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं इनको, सिस्टर क्रोमेटिड। ये दोनों आपस में फिर सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड है। अब दूसरे देखो, इस क्रोमोसोम और इस क्रोमोसोम के ये दोनों जो क्रोमेटिड है, इन क्रोमेटिड को अपन बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं, नॉन सिस्टर
क्रोमेटिड, और जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है इन्हीं के बीच में जो जीन का बोले तो डीएनए का सेगमेंट क्या होगा, एक्सचेंज होगा, उसी को अपन बोलते हैं क्या, क्रॉसिंग ओवर। और वो कौन सी स्टेज में करवाएंगे अपन, पेकाइटिन में। तो डायरेक्ट अभी यहां से भी अपन याद रख सकते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि क्रॉसिंग ओवर मियोसिस फर्स्ट की कौन सी फेज के अंदर होता है, कौन सी में होता है, पेकाइटिन में होता है। चलो आगे इनको डिटेलिंग करते हैं इनकी, अपन लेप्टोटीन की शुरुआत करते हैं, लेप्टोटीन से कि लेप्टोटीन में सबसे पहले क्या होता है। शुरुआत के अंदर अपन जब इंटरफेज के अंदर जब डीएनए या क्रोमोसोम की बात करते हैं तो अपन को क्रोमोसोम तो अब दिखाई देते नहीं है, उस क्या दिखाई देते हैं अपन को, क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन क्या रहता है, एक नेटवर्क के रूप में मैशअप रहता है, पूरे के पूरे नेटवर्क के रूप में। यहां पे अपन ने कुछ दिखाए हैं कि ये क्या है, क्रोमेटिन है, क्या है, क्रोमेटिन है। यहां पे जैसे वो लेप्टोटीन के अंदर एंटर करती है सेल तो क्या होना शुरू हो जाता है, जो नेटवर्क था वो थोड़ा सुलझना शुरू होता है और क्रोमेटिन किसमें कन्वर्ट होना शुरू होगा, धीरे धीरे कंडेंस होना शुरू होगा और आगे जाके क्या बनाना है इनको, क्रोमोसोम बनाने हैं। क्रोमोसोम अभी बनेंगे नहीं, क्रोमोसोम आगे जाके जैसे ही प्रोफेज एंड आएगा तब जाके क्या बन जाएंगे, क्रोमोसोम बन जाएंगे। अभी क्या है, क्रोमेटिन। तो सबसे पहला लेप्टोटीन में क्या होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, क्या होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे क्रोमेटिन धीरे धीरे कंडेंस होना शुरू हुए और अभी आगे क्या होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ है और जितने भी क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, जितने भी क्रोमोसोम यहां पर प्रेजेंट है सारे के सारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ओर आते हैं, जिस साइड में सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, जिस साइड में सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं उस साइड में आके सारे के सारे जो क्रोमोसोम है या बोले तो क्रोमेटिन जो है अरेंज हो जाते हैं, कुछ इस टाइप से अरेंज होते हैं। जो देखिए भाई, कुछ इस टाइप से अरेंजमेंट होता है इनका कि जैसे एक दो इस प्रकार से जितने भी क्रोमेटिन होते हैं सारे के सारे इस प्रकार अरेंज हो जाएंगे और एक ऐसा दिखेगा जैसे देखो जैसे बुके है, किसके जैसे, जैसे बुके लेके जाते हैं ना कहीं पे माहौल बनाने जाते हैं तो, लेकिन माहौल बने नहीं मिले ये जरूरी नहीं है, लेकिन इस स्टेज को क्या बोल देंगे अपन, बुके। जैसे ऐसे लग रहा है जैसे ये क्या है, एक बुके है, क्या है, एक बुके है। तो इस स्टेज को अपन बोलेंगे क्या, बुके स्टेज। इंपॉर्टेंट है कि प्रोफेज फर्स्ट की जो लेप्टोटीन है उस स्टेज का दूसरा नाम क्या है, बुके स्टेज। कि मतलब क्या हुआ है, जितने भी जो क्रोमेटिन थे वो सारे के सारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ आके अटैच हो गए, किधर, जिस साइड में सेंट्रियोल प्रेजेंट थे, यहां पे आके इस प्रकार अरेंजमेंट हो गया और ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है, बुके स्टेज। क्योंकि ये जब माइक्रोस्कोप पे अपन देखते हैं तो बुके लाइक अपीयरेंस आती है, इसको बोलते हैं बुके स्टेज। और लेप्टोटीन में दूसरी चीज क्या होती है, कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। साथ में अपन ने अभी तक लेप्टोटीन के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या है भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन शो कर रखी है, एंड इधर ये क्या है, ER, गोल्जी बॉडी, सारे की सारी ये चीजें अभी तक प्रेजेंट है। क्योंकि अपन को पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस ये सब डिसअपीयर होती है एट द एंड ऑफ द प्रोफेज। प्रोफेज के लास्ट में जाने के बाद, लास्ट में आने के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ER, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस सारे के सारे डिसअपीयर होते हैं। लेकिन अभी ये क्या है, प्रोफेज फर्स्ट की शुरुआत है, तो अपन आगे डिप्लोटिन तक कंटिन्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन सब को मेंटेन रखेंगे और जब लास्ट स्टेज डाइकाइनेसिस आएगी उसके अंदर वो क्या होते हैं, डिसअपीयर होते हैं। तो लेप्टोटीन को क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ, बुके स्टेज आई है। बुके स्टेज क्यों आई है, क्योंकि जितने भी क्रोमोसोम है सारे के सारे अगर नॉर्मल स्टेज है जो क्रोमेटिन की फॉर्म में है सारे के सारे इधर उधर न्यूक्लियस के अंदर बिखरे हुए रहते हैं, लेकिन अपन को मियोसिस के अंदर क्या करवाना है, क्रॉसिंग ओवर करवाना है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग करनी पड़ेगी और होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग करने के लिए यहां पे ऐसा अरेंजमेंट होना जरूरी है जिससे कि होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आ सके और उनके बीच में क्या हो सके, पेयरिंग हो सके। तो यहां पे इस टाइप का अरेंजमेंट हो गया और स्टेज को बोलते हैं अपन बुके स्टेज, जो कि प्रोफेज फर्स्ट की सब स्टेज में फर्स्ट सब स्टेज लेप्टोटीन है। नेक्स्ट सेकेंड देखते हैं जाइगोटीन, सेकंड लेप्टोटीन के बाद कौन सी आएगी, जाइगोटीन। अपना लेप्टोटीन और जाइगोटीन के अंदर अपने क्या बताया कि होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग करवानी है। तो अभी तक तो क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास आ गए थे, बुके स्टेज आ गई थी। नेक्स्ट यहां पे क्या होगा, यहां पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो पास पास में आके पेयरिंग कर लेते हैं। इस पेयरिंग करने को बोलते हैं अपन सिनेप्सिस, इस पेयरिंग को क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। बोले तो सिनेप्सिस अकर्स इन
जाइगोटिन, बोले तो होमोलोगस क्रोमोसोम का पास पास आ जाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन सिनेप्सिस। और सिनेप्सिस किन के बीच में होती है? बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर प्रेजेंट होंगे सारे के सारे क्या होंगे? पास पास आ जाएंगे। बोले तो क्या बन जाएगी? सिनेप्सिस बन जाएगी। और इस सिनेप्सिस को आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम को आपस में जोड़ने के लिए बीच में इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ प्रोटीन जमा हो जाते हैं, कुछ प्रोटीन जमा हो जाते हैं। ये लो प्रोटीन जमा है इनके बीच बीच में, जो कि इन होमोलोगस क्रोमोसोम को पास पास रखे हुए हैं। अब ये जो प्रोटीन बनने के बाद प्रोटीन प्रेजेंट है और होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर बन चुका है, इन दोनों को मिला के बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इन दोनों को मिलाकर? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। जितने भी क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे सारे के सारे होमोलोगस क्रोमोसोम सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग अकर्स इन जाइगोटिन। तो होमोलोगस क्रोमोसोम की क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी। कौन सी स्टेज में? जाइगोटिन में। और बीच बीच में जो प्रोटीन जमा हो जाएगा उस पूरे क्रोमोसोम और प्रोटीन को साथ मिलाकर क्या बोलेंगे? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। आगे देखिएगा, डायग्राम को देखिए थोड़ा सा। इसके अंदर अपने क्या शो किया है कि कंडेंसेशन जो हो रहा है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यहां पे कंडेंसेशन थोड़ा ज्यादा हो चुका है और यहां पे जब अपन एक क्रोमोसोम को एक को देखते हैं तो अपन को दो क्रोमेटिड दिखाई देते हैं। दो दिखाई दे रहे हैं लेकिन क्लियरली अपन को सेपरेट दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्लियरली सेपरेट दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमने इसको बीच में येलो लाइन ड्रॉ करके अपने रिप्रेजेंट किया है कि ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर है। होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर में कितने क्रोमोसोम है? अभी एक पेयर में दो क्रोमोसोम है। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं वन बाइवेलेंट। वन बाइवेलेंट, इस वन बाइवेलेंट का मतलब क्या है? दो क्रोमोसोम का होना। वन बाइवेलेंट का मतलब क्या है? दो क्रोमोसोम का होना। और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना तो एक दो क्रोमोसोम आपस में पेयर करके क्या बनाया? एक बाइवेलेंट बनाया। नेक्स्ट, इसके लिए एक टर्म और दी है वन टेट्राड, कि जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना एक बाइवेलेंट मतलब दो क्रोमोसोम। अगर दो क्रोमोसोम के अंदर अगर अपन देखें तो टोटल कितने कितने क्रोमेटिड होंगे? एक क्रोमेटिड ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा। एक क्रोमोसोम में अपन को पता अभी कितने क्रोमेटिड है? दो है लेकिन क्लियरली वो सेपरेट नहीं है, अपन को आपस में दिखाई अलग से दिखाई नहीं दे रहे, वो अभी तक आपस में जुड़े हुए हैं। जब क्रोमोसोम फुली कंडेंस हो जाएंगे तो अपन को पूरे के पूरे क्रोमेटिड सेपरेट दिखाई देंगे। अभी क्या है? क्रोमेटिड इसी के साथ मर्ज है तो अपन को एक क्रोमोसोम में होते कितने क्रोमेटिड होंगे? अभी दो, दो इसमें टोटल क्रोमेटिड कितने? चार। इसलिए अपन इस पेयर को क्या बोलेंगे? वन टेट्राड। क्या बोलेंगे? वन टेट्राड, मतलब कि एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड, दो दो में कितने? चार क्रोमेटिड। इसको बोलेंगे अपन वन टेट्राड, या हम बोल सकते हैं वन डायड। वन डायड वर्ड यूज करते हैं अपन किसके लिए? वन डायड वर्ड यूज करते हैं ये थोड़ा मिस क्रोमेटिड, किस क्या बोलते हैं इसको? दो क्रोमेटिड, मतलब एक क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड है? एक क्रोमोसोम में कितने? दो क्रोमेटिड है, इसको बोलते हैं वन डायड। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है कभी कि बाइवेलेंट, इतने बाइवेलेंट प्रेजेंट है तो नंबर ऑफ क्रोमेटिड बताइए, इतने टेट्राड प्रेजेंट है तो नंबर ऑफ क्रोमेटिड बताइए। मान लो बोल दे कि एक जो पेरोफेज फर्स्ट की जाइगोटिन के अंदर 10 टेट्राड प्रेजेंट है, 10 टेट्राड प्रेजेंट है तो नंबर ऑफ क्रोमेटिड प्रेजेंट, तो नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितने हो जाएंगे? 10 प्रेजेंट है तो एक में नंबर ऑफ क्रोमेटिड चार होते हैं तो टोटल 10 में कितने हो जाएंगे? 40। कितने हो जाएंगे? 40। तो एक टेट्राड, टेट्राड का मतलब, टेट्रा का मतलब चार, मतलब एक जो दो क्रोमोसोम का जो पेयर है एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड तो दो में कितने हो जाएंगे? चार क्रोमेटिड। ठीक है, तो ये कहां पे होगा? जाइगोटिन के अंदर। कहां पे होगा? जाइगोटिन में। होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो गई है जिसको अपने सिनेप्सिस बोल दिया, और वन बाइवेलेंट दो क्रोमोसोम, वन टेट्राड चार क्रोमेटिड, वन डायड में दो क्रोमेटिड प्रेजेंट होंगे। यहां पे टेट्राड बन चुके हैं, टेट्राड बन चुके हैं लेकिन अभी भी अपन को टेट्राड क्लियरली विजिबल नहीं है। टेट्राड का फॉर्मेशन हो गया है जाइगोटिन में लेकिन अभी तक अपन को क्लियरली ये विजिबल नहीं है। तो ये विजिबल कहां होंगे वो देखते हैं नेक्स्ट स्टेज में, पैकाइटिन में। ये है अपनी पैकाइटिन। पैकाइटिन स्टेज के अंदर क्या होगा? सबसे पहला इवेंट क्या है कि जो टेट्राड है वो क्लियरली विजिबल होंगे। बोले तो क्रोमोसोम पहले की कंपैरिजन में और ज्यादा कंडेंस हो जाएंगे, पहले की कंपैरिजन में और ज्यादा कंडेंस हो जाएंगे तो टेट्राड अपन को क्लियरली विजिबल होंगे। इसके बाद
यहां पे क्या होगा, इस प्रकार से जो होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर बने थे उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम का ये पेयर इनके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या होगा, डीएनए का एक्सचेंज करना है, बोले तो अपन को यहां पर क्रॉसिंग ओवर करनी है। तो यहां पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कुछ इस टाइप से अरेंज हो जाएंगे और यहां पे जहां पे ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को जहां पर ये क्रॉस कर रहे हैं इनको बोलते हैं अपन रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का मतलब है वो नोड्यूल जहां पर रिकॉम्बिनेशन होगा। री का मतलब वापिस, कॉम्बिनेशन मतलब नया कॉम्बिनेशन बनेगा जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के आपस में यहां पे जीन का एक्सचेंज करना है। तो यहां पे क्या बनेंगे, जहां जहां पर इन्होंने अपने आप ओवरलैप कर रखा है उस एरिया को अपने क्या बोल दिया, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ये सारा का सारा काम हो रहा है, यहां पर अपन को क्या करना है, डीएनए का एक्सचेंज करना है, बोले तो जीन का एक्सचेंज करना है। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन गया और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के ऊपर अभी एक एंजाइम आएगा, खतरनाक सा एंजाइम है भाई, बड़ा ही जहरीला एंजाइम है, नाम है रिकॉम्बिनेज। क्या नाम है? रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज पहले तो काटता है फिर जोड़ता है, जोड़ता है और काटता है। एंडोन्यूक्लिएज दोनों दो एक्टिविटी शो करता है, एक तो एंडोन्यूक्लिएज एंड सेकंड लाइगेज। एंडोन्यूक्लिएज का मतलब अंदर से काटना, लाइगेज का मतलब वापस जोड़ना, तो काटेगा भी और जोड़ेगा, दोनों एक्टिविटी शो करेगा। किसको काटेगा? एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम काम करता है किसके ऊपर? डीएनए के ऊपर। डीएनए को अंदर से काटता है, बोले तो एंड पॉइंट को छोड़कर जहां भी से भी कट करेगा वो क्या कहलाएगा? एंडोन्यूक्लिएज। और जो एंड पॉइंट से कट करता है डीएनए को उसको क्या बोलते हैं? एक्सोन्यूक्लिएज। जबकि रिकॉम्बिनेशन कहां से काटेगा? बीच में से काटेगा। तो बोले कैसा है ये? एंडोन्यूक्लिएज। और काटने के बाद डीएनए एक्सचेंज करने के बाद वापस से उनको जोड़ने का काम करेगा, उसको क्या बोल देंगे अपन? लाइगेज। जोड़ने का काम करेगा उसको क्या बोल देंगे अपन? लाइगेज। लाइगेज का मतलब है लाइगेशन एक्टिविटी, लाइगेशन का मतलब होता है बांधना या जोड़ना। ये दोनों काम कौन करता है? यहां पर रिकॉम्बिनेज। कहां पर? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के ऊपर काम करेगा। तो सबसे पहला टेट्राड क्लियरली विजिबल हो चुके हैं एंड रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन चुकी है। थर्ड है एक्टिव ऑफ रिकॉम्बिनेज एंजाइम। तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम क्या होगा? एक्टिव होगा, वो दो एक्टिविटी शो करेगा, एंडोन्यूक्लिएज एंड लाइगेज। बोले तो पहले काटेगा फिर जोड़ेगा। नेक्स्ट है, अभी यहां पे होगी क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसके बीच में क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर। इंपॉर्टेंट है कि क्रॉसिंग ओवर किनके बीच में होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। चलो देखते हैं किस टाइप से अपन ने क्रॉसिंग ओवर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी डायग्राम को आगे अपन सिंप्लीफाई तरीके से अगर बनाना चाहे तो कुछ ऐसा बना सकते हैं। मान लो ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम और ये पूरा है क्या? होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर। ये पूरा क्या बनाया अपन ने? होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर बनाया है। तो ऊपर वाला होमोलोगस क्रोमोसोम का ये दोनों क्या बन चुके? एक पेयर बन चुका है। अभी सुनिए, समझने के हिसाब से अपन बता रहे हैं, समझने के हिसाब से अपने यहाँ पे क्या बनाया, देखिएगा। यहाँ पे मैंने शो किया ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। यहाँ पर ए एंड बी ये क्या है? एलील है। क्या है भाई? एलील है। स्मॉल ए एंड बी ये सब क्या है? एलील है। एलील हम जानते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म है। तो यहां पर ये देखो, ए और कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी दोनों साथ है। कैपिटल ए और कैपिटल बी साथ है, स्मॉल ए, स्मॉल बी साथ है। और एलील का या जीन का साथ होना बोल क्या कहलाता है? लिंकेज कहलाता है। लिंकेज का मतलब साथ साथ रहना। तो दोनों के दोनों अभी एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे लिंकेज। यहां पर स्मॉल ए और स्मॉल बी प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे अपन लिंकेज। यहां पर बन चुकी है अब क्या? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ये क्या बन चुकी है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन चुकी है। और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के ऊपर वो आएगा, कौन आएगा? वही आएगा जिसका इंतजार था, एंजाइम का नाम था रिकॉम्बिनेज। वो आएगा,
काटेगा और वापस जोड़ेगा। तो यहां पे जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनी है, यहां से पहले वो कट लगाएगा, कट लगाने के बाद क्या होगा, ये जो अपने ब्लू वाला एरिया शो किया है इसके साथ ये रेड वाला एरिया आ जाएगा और ये रेड वाले के साथ ये ब्लू वाला एरिया आ जाएगा, कट कर देगा और जोड़ देगा और फाइनली क्या हो जाएगा, यहां पर जीन का एक्सचेंज हो जाएगा, जीन का एक्सचेंज हो जाएगा। यहां पर अभी काटा, जोड़ा और जोड़ने के बाद अपन कुछ इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर होगा। उसके बाद में अभी तो एक्सचेंज पार्ट एक्सचेंज हुआ है, अभी ये क्रोमोसोम अलग नहीं हुए, इसलिए अपन ने इतना ही रिप्रेजेंट किया है। आगे जाने के बाद जब ये क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे तो अपन कुछ इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, क्योंकि अभी ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ क्रॉसिंग ओवर हुआ है, जुड़ा है, अभी ये पार्ट इधर ट्रांसफर नहीं हुआ, ये वाला पार्ट इधर ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन होगा क्या आगे जाके वो अभी अपन देखते हैं। कुछ ऐसा है कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर अपन ने कुछ ऐसा बनाया और इसके साथ कौन सा जुड़ जाएगा, जो ब्लू वाला पोर्शन है वो ऐड हो जाएगा। तो यहां पे था रेड वाले एरिया में अपन ने बनाया है क्या, कैपिटल ए था, कैपिटल ए के साथ अब क्या आएगा, स्मॉल बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्मॉल बी आ जाएगा। और जो ब्लू वाला था, ये ब्लू वाला जो था इसके साथ क्या आ जाएगा, रेड, इसके साथ क्या आ जाएगा, रेड वाला पोर्शन आ जाएगा और बाकी ये पूरा ब्लू रहेगा, ये इसका सेंट्रोमियर। तो यहां पे प्रेजेंट था स्मॉल ए और यहां पे अभी क्या आ जाएगा, स्मॉल ए की जगह यहां पे क्या आएगा, कैपिटल बी। तो बोले तो जीन का एक्सचेंज हो गया, यहां पे कैपिटल ए और पहले कैपिटल बी थे, अब जैसे ही क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये जब अलग होंगे तो कैपिटल ए के साथ आ जाएगा स्मॉल बी और स्मॉल ए के साथ आ जाएगा कैपिटल बी। तो जीन का एक्सचेंज हो गया और जीन के एक्सचेंज के होने को ही अपन बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। जब पहले दो फिनोमिना हुई है कि यहां पे जब साथ थे तो उसको बोले थे अपन लिंकेज, साथ में थे तो लिंकेज शो करेंगे, लेकिन क्रॉसिंग ओवर के होने की वजह से लिंकेज क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, बोले तो जीन का एक्सचेंज हो चुका है, जो लिंक्ड जीन थे वो अलग अलग हो चुके हैं। तो जो लिंकेज होती है, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि जितने ज्यादा लिंकेज उतनी ज्यादा क्रॉसिंग ओवर, या जितनी ज्यादा क्रॉसिंग ओवर उतना ही कम लिंकेज होगा। तो इसके आगे ये हो गई अपनी पेकाइटिन, पेकाइटिन में क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। जो पेकाइटिन, पेकाइटिन के बाद अपन आते हैं नेक्स्ट फेज डिप्लोटीन पर। यहां पे क्रॉसिंग ओवर अपन को करवाना था, क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो चुका, अभी अपन को क्या करना है, इन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो चुकी तो अब इनको सेपरेट करना है, अलग अलग करना है। उसके लिए सबसे पहले अपन डिप्लोटीन में देखेंगे, सबसे पहला इवेंट क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम को आपस में जोड़े रखने के लिए बीच में जो प्रोटीन प्रेजेंट था वो क्या हो जाना शुरू हो जाएगा, डिसोल्व होना शुरू हो जाएगा, बोले तो डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। जैसे ही सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो डिसोल्व हो जाएगा, जो प्रोटीन इनके बीच में प्रेजेंट था वो डिसोल्व होगा, डिसोल्व होने के बाद जहां जहां से जीन का एक्सचेंज हुआ है, जहां जहां से जीन का एक्सचेंज हुआ है वहां पर अपन को कुछ इस टाइप से एक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जहां जहां जीन का एक्सचेंज हुआ है यहां यहां अपन को एक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इसको बोलते हैं एक्स शेप स्ट्रक्चर, क्याजमेटा अपीयर। तो डिप्लोटीन के अंदर क्या दिखाई देता है अपन को, क्याजमेटा, मतलब क्या, एक्स शेप स्ट्रक्चर, जहां पर जीन का एक्सचेंज हुआ वहां वहां, बाकी तो सारा का सारा बीच में जो प्रोटीन था सारा का सारा डिसोल्व हो चुका है और अपन को क्या दिखाई दे रहे हैं यहां पर, क्याजमेटा अपीयर हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल एग्जाम में पूछता है कि क्याजमेटा कौन सी फेज में, कौन सी सब फेज में प्रोफेज के अपीयर होता है अपन को, वो होता है डिप्लोटीन में, कौन सी फेज में होता है, डिप्लोटीन में। एक बार फिर कि जो डिसोल्यूशन हो जाता है किनका, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का, जैसे ही प्रोटीन तो बीच में प्रेजेंट था, डिसोल्यूशन हो चुका, डिसोल्व हो चुका, तो बीच में अब जहां पर जीन का एक्सचेंज हुआ था वहां पर क्या होगा कि ऐसे लगेगा जैसे एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है और इसको क्या बोलते हैं अपन, क्याजमेटा। तो क्याजमेटा अपीयर होते हैं अपन। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, इन ऊसाइट ऑफ सम वर्टिब्रेट डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स ऑफ ईयर, मंथ्स और ईयर,
मंस और ईयर कि जो डिप्लोटिन स्टेज में है, कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होता है, वर्टिब्रेट्स के अंदर ये डिप्लोटिन स्टेज है, कई महीनों से सालों तक ये रुक सकती है, बोले तो अरेस्ट हो सकती है। अगर बात करें अपन ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो फीमेल फिटस होता है उसी के अंदर जो गैमिट फॉर्मेशन की प्रोसेस की शुरुआत हो जाती है, लेकिन गैमिट फॉर्मेशन की प्रोसेस की शुरुआत हो जाती है लेकिन ये कंप्लीट होता है एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी पर जाके कंप्लीट होता है। मियोसिस फर्स्ट शुरुआत हो गई थी प्रोफेज की लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन और डिप्लोटिन तक आने के बाद। जैसे ही डिप्लोटिन में आया, डिप्लोटिन में आने के बाद मियोसिस रुक जाता है, क्योंकि ये मियोसिस आगे बढ़ेगा जब प्यूबर्टी आएगी, हॉर्मोनल चेंजेस होंगे उस टाइम। अभी तक क्या होगा, ये 10 से 12 साल तक ह्यूमन फीमेल के अंदर क्या रहेगा, ये डिप्लोटिन के अंदर अरेस्ट रहेगा। अदर वर्टिब्रेट के अंदर ये टाइम वेरी कर सकता है, अपन कंसिडर करेंगे ह्यूमन बींग्स को 10 से 12 साल तक वो डिप्लोटिन स्टेज में रहती है। इंपॉर्टेंट है ये जो मियोसिस कंप्लीट होता है एट प्यूबर्टी पर, क्योंकि फीमेल फिट ह्यूमन फीमेल के अंदर अपन को पता है क्या होता है, गैमिट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाती है, फीमेल के अंदर बिफोर बर्थ हो जाती है, जबकि मेल के अंदर क्या होती है, प्यूबर्टी के ऊपर गैमिट फॉर्मेशन की शुरुआत होती है और बनते हैं। नेक्स्ट, डिप्लोटिन के बाद लास्ट स्टेज में अपन आते हैं, उस फेज का नाम है डायकाइनेसिस। वहां पे अपन ने जो एक्स शेप स्ट्रक्चर, जो क्याजमेटा बनाई थी, वो क्याजमेटा अब क्या होंगे, एक दूसरे से अलग अलग होंगे। बोले तो इंपॉर्टेंट चीज अभी टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमेटा, क्याजमेटा क्या हो जाता है, टर्मिनलाइजेशन बोले तो क्याजमेटा जो बने थे वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग। जो एक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही थी, तो ये क्रोमोसोम क्या होंगे, एक दूसरे से सेपरेट, बोले तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमेटा अकर्स इन डायकाइनेसिस ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट अभी देखो डायग्रामेटिकली अपने रिप्रेजेंट किया है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो क्याजमेटा था वो सेपरेट हो चुका है, एंड यहाँ पे कुछ अपन ने पार्ट कलर दिखाया है कि कुछ पार्ट एक्सचेंज हो गया, जैसे रेड के साथ ब्लू को दिखाया है और ब्लू के साथ कुछ रेड को, तो ये वो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पर जीन का एक्सचेंज हुआ है, बोले तो क्रॉसिंग ओवर हुआ है, उस पोर्शन को रिप्रेजेंट किया है। यहां पर येलो वाले के अंदर भी तुम देख सकते हो कि कलर थोड़ा सा अलग दिखाया है अपन ने, ये चीज वो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पर जीन का एक्सचेंज हुआ, बोले तो क्रॉसिंग ओवर हुआ है। अब जो क्याजमेटा जो एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनी थी वो खत्म हो जाएगी, और अब यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो थोड़े अलग अलग हो चुके हैं, अब आगे जाके इन क्रोमोसोम को सेपरेट करना है। नेक्स्ट क्या होगा, द क्रोमोसोम आर फुली कंडेंस, क्योंकि अपन को पता है क्रोमोसोम फुली कंडेंस होते हैं मेटाफेज के अंदर, लेकिन प्रोफेज इतनी बड़ी होती है कि इसमें फुल टाइम मिलता है क्रोमोसोम को कंडेंस होने का, तो यहाँ पर डायकाइनेसिस पर आते आते क्रोमोसोम फुली कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। अब मियोटिक स्पिंडल बोले तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये आगे आने वाली स्टेज में जब बेटा फेज पे जाएंगे उस समय होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट करना है, तो उस प्रोसेस की भी तैयारियां हो जाती है, बोले तो स्पिंडल फॉर्मेशन निर्माण हो जाता है, बोले तो सब स्पिंडल असेंबल्ड हो जाते हैं, जुड़ना शुरू करते हैं। नेक्स्ट, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। अपने पहले भी बताया था कि प्रोफेज की लास्ट के अंदर जब प्रोफेज खत्म होती है उस समय क्या होते हैं, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, ER, सब क्या होना शुरू हो जाते हैं, डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। यहां पे अपन ने इसको रिप्रेजेंट भी किया है, तो ER, गोल्जी बॉडी डिसअपियर हो जाएंगे। डायकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज, कि जैसे ही अपन ने बताया कि किसी भी फेज के बीच में, किसी भी स्टेज के बीच में क्लियर डिमार्केशन नहीं होता, क्लियर कट अपन नहीं बता सकते कि ये डायकाइनेसिस लो खत्म हो गई, अब मेटाफेज आएगी, या बोले तो ये डिप्लोटिन खत्म हो गई अब डायकाइनेसिस आएगी, तो क्लियर डिमार्केशन नहीं होता। अब डायकाइनेसिस आने को अपन को क्या चीज, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि वो आने वाली है, वो कौन आने वाली है, वो मेटाफेज आने वाली है, कौन सी आने वाली है, मेटाफेज आने वाली है, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है क्या, डायकाइनेसिस, या बोले तो अपन ट्रांजिशन टू मेटाफेज। तो डायकाइनेसिस किस रिप्रेजेंट करता है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज, और ये हो चुकी अपनी डायकाइनेसिस कंप्लीट। तो ये हुआ अपना मियोसिस फर्स्ट के अंदर प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट। अब प्रोफेज फर्स्ट के बाद अपन जाएंगे आगे नेक्स्ट मेटाफेज फर्स्ट के अंदर, और उसको ओपन करेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन ब्रेक के बाद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।